हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करते हैं एसी ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? बेसिकली जो पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, राइट ना, जनरेटिंग स्टेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक। तो सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड सिस्टम है एसी का, जो पावर को सब स्टेशन तक या लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक लेकर आ रहा है, वो क्या है आपका? थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम है। ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। पर अगर मैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम या फिर यूनिवर्सली अडॉप्टेड सिस्टम जो है, दैट इज थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। तो यहाँ पर आपके एसी सिस्टम की कई सारी कैटेगरीज है, सिंगल फेज में भी, टू फेज में भी, थ्री फेज में भी। तो कौन सी चीज कहाँ पर यूज होती है या फिर किसका कैसा स्ट्रक्चर है, ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या है, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम है। अगर मैं थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम की बात करूं, तो ये आपका स्टार कनेक्टेड भी हो सकता है और डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर यूज होता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपका यूज होगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, राइट। सो जो आपके लार्ज कंज्यूमर्स हैं, जैसे आपकी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जिनको बहुत ज्यादा पावर की नीड होती है, उनको यहाँ से इन सब स्टेशन से पावर हम डायरेक्टली दे सकते हैं, राइट ना। डायरेक्टली हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं थ्री फेज सिस्टम से, और डायरेक्टली पावर को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं कहाँ तक? बड़ी इंडस्ट्रीज में, राइट ना। और इसके साथ साथ जो बाकी जो सब स्टेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, वहां पर भी हम इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में आपको क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, यहाँ पर ये भी आप देख रहे हैं कि आपका जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है वो क्या है? न्यूट्रल है, राइट। सो अब हम देखेंगे थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका फोर्थ वायर होगा वो क्या होगा? आपका न्यूट्रल होगा। कैसा होगा वो? आपका न्यूट्रल वायर हो गया, ठीक है। सो द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी इन सच सिस्टम इज ऑलवेज स्टार कनेक्टेड। अगर थ्री फेज फोर वायर सिस्टम की बात किया जाए, तो ट्रांसफॉर्मर हमेशा, ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी हमेशा कैसा होगा? स्टार कनेक्टेड नेचर का होगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम आपके यूज होते हैं, जनरली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं। कहां पर यूज होंगे? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके यूज होंगे। और जो आपके सिंगल फेज लोड है वो कहां पर कनेक्ट हो जाएंगे? बिटवीन वन फेज ऑफ द थ्री फेज लाइन एंड बिटवीन द न्यूट्रल, मीन्स एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में आपका क्या कनेक्ट हो जाएगा? लोड। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो कि जो आपके हाउस लोड है, वो आपका एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में आपका एक लोड आपका कनेक्टेड है, राइट ना। जबकि आपका जो थ्री फेज लोड है, इट इज गिवन थ्री फेजेस सप्लाइड डायरेक्टली अलोंग विद द प्रोविजन ऑफ न्यूट्रल फॉर द इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट ना। जो जो आप थ्री फेज यहाँ पे लोड देख रहे हो, वो आपके तीनों फेजेस और न्यूट्रल से डायरेक्टली आपका कनेक्टेड है। सो ये क्या है आपका? थ्री फेज फोर वायर सिस्टम हो गया। अब अगर मैं सिंगल फेज एसी सिस्टम में टू वायर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जिसका एक कंडक्टर आप यहां पे डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या है आपका? सिंगल फेज एसी सिस्टम है, दिस इज टू वायर सिस्टम, और एक वायर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? अर्थिंग है उसकी। एक वायर कैसा है आपका? अर्थिंग की गई है। तो एक आपका इनकमिंग है और दूसरा क्या है? आउटगोइंग है। इन दोनों के बीच में ही जो आपका वोल्टेज है बिटवीन द कंडक्टर, वो कितना गिवन है? वी एम गिवन है, ठीक है। सो जो आपका आरएमएस वैल्यू होगा, जो आरएमएस वैल्यू होगा वोल्टेज का, दैट इज वी एम अपॉन रूट टू। सो जो आरएमएस वोल्टेज होगा, दैट इज वी एम अपॉन रूट टू। तो जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज है, अगर मैं मैक्सिमम वोल्टेज की बात करूं, तो वो क्या है? वीएम है। वो क्या आपका? वीएम है। पर मैं इसी का अगर आरएमएस बात करूं, आरएमएस वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा? वीएम अपॉन रूट टू, वीएम अपॉन रूट टू। तो ये कैसा सिस्टम है आपका? टू वायर सिंगल फेज एसी सिस्टम, जहां पर आपका एक जो वायर है आपका कैसा है? अर्थड है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम आप डायग्राम में देख रहे हो, ये कैसा सिस्टम है आपका? ये सिंगल फेज एसी सिस्टम है, टू वायर है, और मिड पॉइंट क्या है आपका? अर्थड है। मिड पॉइंट क्या है आपका? अर्थड है। तो यहां पर आप देखिए कि आपके जो कंडक्टर टू न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं, या अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, जो आपका वोल्टेज है,
ठीक है ना, टू वायर सिस्टम में जो आपका वोल्टेज है वो क्या मेंशन है आपका यहाँ पे, वी एम है, ठीक है ना। ये जो आपका वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, ये क्या है, वी एम, मीन्स ए एन की वैल्यू क्या है, वी एम है, राइट। और उस कंडीशन में जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बिटवीन टू वायर्स, अगर मैं टू वायर्स की बात करूं, वन इज इनकमिंग एंड सेकेंड वन इज आउट गोइंग, तो अगर मैं टू वायर की बात करूं, मिड पॉइंट आपका क्या है, अर्थ रहे, तो ए एन की वैल्यू क्या है वहां पे, वी एम है, और इसी तरीके से बी एन की वैल्यू क्या है, वी एम है, तो टोटल वोल्टेज क्या हो गया आपका, टू वी एम, टोटल वोल्टेज क्या हो गया आपका, टू वी एम। तो यहां पर जो आपका टोटल वोल्टेज है वो क्या है, टू वी एम है, या मैक्सिमम वोल्टेज आपका यहाँ पे क्या है, टू वी एम। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी इसके, आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, टू वी एम अपॉन रूट टू, ठीक है। इस कंडीशन में जो आरएमएस वैल्यू होगी, दिस इज रूट टू वी एम हो जाएगा। अब इसी तरीके से सिंगल फेज एसी सिस्टम में थ्री वायर सिस्टम है, थ्री वायर सिस्टम के केस में जो आपका जो मिड पॉइंट जो अर्थ था, वही आपका क्या है, थर्ड पॉइंट आपका बना रहा है, विच इज न्यूट्रल, विच इज न्यूट्रल, विच इज थर्ड वायर, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज सिमिलर टू थ्री वायर डीसी सिस्टम के प्रिंसिपल पर ही ये आपका वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये यहां पर भी जो आपका टोटल वोल्टेज होगा विद रिस्पेक्ट टू बिटवीन द टू कंडक्टर इज टू वी एम, ठीक। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, टू फेज एसी सिस्टम है, देयर आर टू फेजेस, वी कैन सी हियर, आपका पॉइंट ए टू एन एक फेज है आपका, और आपका बी टू एन आपका क्या है, दूसरा फेज है। पर यहां पर क्या है, दिस इज टू फेज थ्री वायर सिस्टम है आपका ये, ठीक है। तो जो थर्ड वायर है आपका, जो आपका जंक्शन पॉइंट है दोनों और फेजेस का, वहां से हम थर्ड वायर को हम निकालते हैं, ठीक है। सो द वोल्टेज ऑफ टू वाइंडिंग्स आर इन क्वाड्रेचर विच विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में क्या होगा, क्वाड्रेचर में होगा, और जहां पर जंक्शन है दोनों फेजेस का, जहां पर जंक्शन है वहीं से हम न्यूट्रल वायर को हम लेते हैं, डिनोटेड बाय जहां पर आपका करंट आपको दिख रहा है आई एन है, ठीक है। तो फेज टू न्यूट्रल जो आपका वोल्टेज है दैट इज वी एम, एंड द टोटल पावर ट्रांसमिटेड गेट्स डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू वाइंडिंग्स एंड ईच टर्म ट्रांसमिट वन हाफ ऑफ द टोटल पावर, ठीक है, क्लियर है, हुआ इतनी बातें। तो ये हो गए आपके एसी ट्रांसमिशन सिस्टम की जितनी कैटेगरीज थी। अब एडवांटेज क्या है, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का एडवांटेज क्या है, तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, तो एसी सिस्टम्स में हाई वोल्टेज बिल्टअप करना पॉसिबल है यूजिंग द हाई स्पीड एसी जनरेटर्स ऑफ द लार्ज कैपेसिटीज, राइट ना, एंड द कॉस्ट ऑफ एसी जनरेटर्स आर वेरी लो। एसी वोल्टेज को हम लोअर या हायर वैल्यूज में हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर्स, राइट। मेंटेनेंस जो होगा एसी सब स्टेशंस का वो बहुत इजी होता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या हो सकता है कि आप इसके लेवल को भी चेंज कर सकते हो इन द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए, अगर हमको इसका लेवल अगर हमें कम करना है तो हम इसके लेवल को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसमें जितनी भी चीजें आपके जो एसी सिस्टम्स में जो मोटर रन हो रहे हैं, दे आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, ये सस्ते होते हैं और इनको लेस मेंटेनेंस और अटेंशन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है कि एसी सप्लाई कैन बी कन्वर्टेड टू ऑब्टेन डीसी व्हेनेवर रिक्वायर्ड, राइट ना। और एसी सबस्टेशन का जो मेंटेनेंस है वो भी क्या होता है, बहुत सस्ता होता है, राइट। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ एसी सिस्टम, बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। सो डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन एसी ट्रांसमिशन लाइन का वो डीसी के कंपैरिजन में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ एसी लाइन इज हायर, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है एसी लाइंस का, रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, किसकी वजह से, स्किन इफेक्ट के कारण,
वोल्टेज ड्रॉप्स क्रिएट होंगे और स्किन इफेक्ट आपका ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा लाइन का, ज्यादा हो जाएगा। सो दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? ड्रॉप किसकी वजह से क्रिएट हो सकता है? इंडक्टेंस के कारण क्रिएट हो सकता है। इन सभी चीजों के कारण क्या होगा, लाइन में जो लॉसेस क्रिएट हो रही हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जब लाइन आपका ओपन है तो चार्जिंग करंट फ्लो होता है। जैसे आपने मीडियम लाइन में या फिर आप लॉन्ग लाइन्स में आप देखेंगे, जहां पर भी आप कैपेसिटिव इफेक्ट लेते हो वहां पर अगर आपका रिसीविंग एंड जो है आपका ओपन है, लोड कनेक्टेड नहीं है, उसके बाद में भी आपका चार्जिंग करंट फ्लो होता है और ये कैपेसिटर को क्या है, चार्ज करता रहता है। ठीक है, इन दिस कंडीशन आपका जो फ्लो ऑफ पावर है वो अननेसेसरली लॉस के फॉर्म में जाता रहता है कि उस पावर की हमको जरूरत नहीं है, फिर भी अननेसेसरली फ्लो ऑफ पावर होता रहता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो कॉपर रिक्वायरमेंट है एसी के केस में डीसी के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, एसी जी लाइंस जो होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, कोरोना के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। जब मैंने आपको इंडक्टेंस कैलकुलेशन या आपका कैपेसिटेंस कैलकुलेशन जब आपको मैंने बताया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कोरोना इफेक्ट क्या होते हैं। सो जो एसी लाइंस होती हैं दैट आर मोर सेंसिटिव टू कोरोना देन दी डीसी लाइंस। और क्या प्रॉब्लम्स है इसमें, अगर हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करें, ये एसी सिस्टम्स में बना रहता है। और दूसरी चीज की स्पीड ऑफ ऑल्टरनेटर्स इन एसी सिस्टम इज नॉट इकोनॉमिकल एंड रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल्ड विद इन वेरी लो लिमिट्स। सो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी सिस्टम्स।